हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। विंटर चल रहा है तो सभी को पता है कि इस टाइम हाईवे पे बहुत ज़्यादा ओश पड़ती है। ये आप सामने गाड़ी चलती हुई देख रहे हो, ये एम्बुलेंस, ये हमारी दूसरी एम्बुलेंस है और हम दोनों साथ में ही थे। बट ड्राइवर रेस्ट के लिए वो 3-4 घंटों के लिए रुक गया था और हम आगे चले गए थे। तो गाइस, सुबह का टाइम था और यमुना एक्सप्रेस वे पे काफ़ी ज़्यादा ओश पड़ रही थी और ड्राइवर ठीक से देख नहीं पाया। एक खड़ी बस में ये गाड़ी जाकर ऐसे लग गई। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें डैमेज हुआ है। ये देखिए गाइस, गाड़ी की कंडीशन देखिए आपकी, कितना बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और ये गेट बांधा हुआ है क्योंकि ये गेट भी थोड़ा अलग हो गया था साइड से और ये बंद नहीं हो रहा था, इसलिए इसे बांधा हुआ है। और ये देखिए गाइस, स्टेयरिंग देखिए पूरा मुड़ गया हुआ है और इसमें से ड्राइवर को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला गया था। भगवान का शुक्र है गाइस कि ड्राइवर को ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस थोड़ी सी खरोंची है। तो गाइस, इसके अंदर दो ड्राइवर थे, एक गाड़ी चला रहा था और एक पीछे था। तो ये देखिए गाइस, अब कंडीशन देखिए कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का। टायर पंचर और ये पूरा स्टेयरिंग का जो है ये पूरा टूट चुका है, जैसे हेडलाइट्स वगैरह, ये सामने का मिरर, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। और अभी हमने ये अभी गेट ओपन करके देखते हैं कि यहाँ से कितना डैमेज है। यहाँ से तो गाइस ठीक है, एंड्रॉयड बचा हुआ है। ये कैबिन तो गाइस पूरा ही बर्बाद हो चुका है। अभी हमने इसके खर्चे की बात की है तो मैकेनिक ने बताया है 3.5 लाख तक खर्चा आएगा उसके आसपास। तो ये पूरा कैबिन जो है दोबारा से बनेगा। तो चलिए गाइस, अब थोड़ा गाड़ी के पीछे देख लेते हैं कि पीछे गाड़ी के कितना डैमेज हुआ है। तो हम इस डोर को अब कर देते हैं बंद। चलिए गाइस, पीछे जाके देखते हैं कि कितना डैमेज हो चुका है गाड़ी का। गाइस देखिए, गाड़ी तो पीछे से, अभी अंदर चल के देखते हैं कि क्या डैमेज है गाड़ी में। से बाहर निकाल देते हैं। ये स्कूप है गाइस पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, मतलब ऊपर चढ़ाने के लिए किसी भी फ्लोर पर। और ये देखिए यहाँ पे तो सब कुछ सही सलामत है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ, सामान भी अभी इसी में है, इंजेक्शंस मेडिसिन रखा हुआ है, अभी कुछ भी बाहर नहीं निकाला। गाइस पीछे से तो गाड़ी एकदम ठीक है, जैसे थी वैसी है। जो डैमेज हुआ है वो सिर्फ आगे से हुआ है। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेस वे पर चल रहे हो और वहाँ बहुत ज़्यादा ओश है तो प्लीज़ आप कहीं भी साइड पर लगा के गाड़ी खड़ी कर दीजिए, अगर आपकी गाड़ी में अच्छी सा लाइट नहीं है तो। गाइस बिल्कुल भी ऐसे रिस्क मत लो। अब देखते हैं कि ऐसे मैकेनिक ने कहा है कि इसमें 1 से 1.5 मंथ लग जाएगा ठीक होने में। तो जब ये गाड़ी फिर दोबारा बन जाएगी तो मैं फिर इसकी एक और वीडियो डाल दूंगा कि अब ये दोबारा बनी है तो कैसी लग रही है। प्लीज़ गाइस सेफली ड्राइव कीजिए, खासकर विंटर में इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।